हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा एजुकेशन कंसल्टेंसी। मैं हूं डॉक्टर गुलाब। आज हम डिस्कस करेंगे सामी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कजाकिस्तान के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में सारी बात पता चल सके। एंड उन स्टूडेंट को शेयर कीजिए जो MBBS फॉरेन कंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं। और वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। सामी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 1953 में एस्टेब्लिश हुई थी। ये यूनिवर्सिटी ओपन हुई थी जनरल मेडिसिन फैकल्टी के लिए स्टार्टिंग में। इस यूनिवर्सिटी का एग्जैक्ट एड्रेस है आबी स्ट्रीट 103 सामी 071400 कजाकिस्तान में। इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको पहले दिल्ली से अलमाटी, देन अलमाटी से सामी तक फ्लाइट मिल जाएगी। देन सामी एयरपोर्ट से 30 मिनट का रास्ता है, ओनली 14 किलोमीटर है अगर आप कार से जाएंगे तो। यहाँ का क्लाइमेट समर में मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस और विंटर में -9 डिग्री सेल्सियस रहते हैं। स्टूडेंट्स, ये यूनिवर्सिटी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ECFMG, USMLE और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI और NMC नेशनल मेडिकल कमीशन और भी बहुत जगह से रिकॉग्नाइज्ड है। स्टूडेंट, इस यूनिवर्सिटी में करेंटली 3500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और 450 स्टूडेंट से भी ज़्यादा फैकल्टी है। स्टूडेंट, इस यूनिवर्सिटी एंड कजाकिस्तान के सभी यूनिवर्सिटी में MBBS कोर्स 5 ईयर्स का है और इसके बाद 1 ईयर इंटर्नशिप इंडिया में करना है। स्टूडेंट, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन जून मंथ से स्टार्ट हो जाता है एंड क्लास स्टार्ट होता है अक्टूबर महीने से। स्टूडेंट, अब हम जानते हैं सामी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का बेनिफिट्स क्या क्या है। बेनिफिट नंबर 1, सामी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कजाकिस्तान में बेस्ट एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की है जिससे स्टूडेंट बेस्ट प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। बेनिफिट नंबर 2, इस यूनिवर्सिटी में 20 प्लस ईयर्स एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं जो बेस्ट मेडिसिन नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट को। नंबर 3, वन ऑफ द बेस्ट FMGE एग्जाम रिजल्ट यूनिवर्सिटी है कजाकिस्तान में। बेनिफिट नंबर 4, सामी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कजाकिस्तान की वर्ल्ड रैंकिंग है 5059 और नेशनल रैंकिंग है 17। बेनिफिट नंबर 5, लिविंग कॉस्ट फॉर स्टडी इन दिस यूनिवर्सिटी बहुत ही लो है और अफोर्डेबल है। बेनिफिट नंबर 6, इस यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। ये सबसे पहले यूनिवर्सिटी है कजाकिस्तान में जिसमें इंग्लिश मीडियम सबसे पहले स्टार्ट हुए थे। बेनिफिट नंबर 7, इस यूनिवर्सिटी में हॉस्टल और मेस फैसिलिटीज बहुत ही अच्छे हैं। बेनिफिट नंबर 8, हॉस्टल्स भी आपको बहुत ही अच्छे मिलेगी, वो भी हमारे कंसल्टेंसी के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। मतलब हॉस्टल्स आपको प्राइवेट हॉस्टल्स मिलेगी जो नीट एंड क्लीन होते हैं और आपको इंडियन फूड भी बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा। कजाकिस्तान में आपको वेज एंड नॉन वेज दोनों वेराइटी इजीली अवेलेबल हो जाएगी। आप बात करते हैं अगर आप इस कॉलेज में एंट्री लेंगे तो किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। नंबर 1, क्लास 10 एंड 12 की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट चाहिए। नंबर 2, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए आपका, पासपोर्ट चाहिए आपका, नीट एडमिट कार्ड एंड स्पोर्ट कार्ड चाहिए। स्टूडेंट्स, इस यूनिवर्सिटी और कजाकिस्तान में कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नीट में क्वालिफाइड मार्क रहना चाहिए। मतलब नीट अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए वही सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसके टाइटल है द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंडियन स्टूडेंट्स टू गेट एडमिशन इन फॉरेन और एब्रॉड, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, कजाकिस्तान में पढ़ने का कुछ कॉमन बेनिफिट है जैसे कि 5 ईयर एकेडमिक कोर्स एंड 1 ईयर इंटर्नशिप इंडिया में आके करना है एंड कोर्स फीस स्ट्रक्चर भी बहुत ही कम है। स्टूडेंट्स, हमने कजाकिस्तान के बारे में ओवरऑल डिटेल्स वीडियो बनाया है जिसके टाइटल है MBBS इन कजाकिस्तान एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड बेनिफिट, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एट लास्ट, आपको अगर फीस स्ट्रक्चर के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिखाए गए नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप करके हमें पूछ सकते हो या फिर शिक्षा एजुकेशन कंसल्टेंसी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं जिसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। हमारा दर्शक में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि चाहते हैं कि खुद की एजुकेशन कंसल्टेंसी स्टार्ट करें और इंडिविजुअली भी स्टूडेंट रेफर करें तो हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। मिलेंगे एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।